हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेसन का ऐसा नाश्ता जो आपने ना कभी खाया होगा ना कभी देखा होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई है, कुछ टिप एंड ट्रिक दी है, उससे आपके टाइम की बचत भी हो जाएगी और आपकी रेसिपी बहुत ही ज्यादा हेल्दी बनेगी और आप इस रेसिपी को स्टोर कर पाएंगे पूरे महीने। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाएं सबसे पहले। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए बहुत ही कम चीजों की जरूरत पड़ती है। जो चीजें हम इस्तेमाल करेंगे वो हर किचन में आसानी से मिल जाती है। तो देखिए मैंने क्या क्या लिया है आपको बता देते हैं, कितनी कितनी मात्रा में लिया है वो ध्यानपूर्वक देखिएगा और वैसे ही यूज कीजिएगा। तो इधर मैंने लिया है 250 ग्राम बेसन। बेसन मोटा हो महीन हो जैसा भी हो आप उसे बना सकते हैं, उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि मोटा ही बेसन होना चाहिए महीन ही बेसन होना चाहिए। इधर हमने प्याज लिया है जो हमारे 2 मीडियम साइज के प्याज के जिसको मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। इधर 3 ग्रीन चिली ली है तीखी वाली, अगर आपके पास तीखी वाली ना हो यानी आपकी कम तीखी वाली हो तो आप 4 से 5 ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट काम करेंगे, एक चटनी बनाएंगे जो इस रेसिपी की जान है। इस रेसिपी में चटनी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है तो आप लोग इसे मिस मत कीजिएगा। तो चलिए फटाफट चटनी बनाते हैं। तो एक छोटा वाला मिक्सी का जार ले लेंगे, उसके अंदर हम अपनी ग्रीन चिली को डालेंगे। अगर आप लोग ज्यादा तीखा नहीं खाते तो आप कम कर सकते हैं। इस तरीके से हम तोड़ तोड़ कर डालेंगे ताकि इसे पीसने में दिक्कत ना हो। अब इसमें हम डालेंगे धनिया, जो हम डाल रहे हैं वो डंठल के साथ डालेंगे, डंठल को निकाल के नहीं डालना है। डंठल में बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है तो जब भी धनिया इस्तेमाल कीजिए तो डंठल के साथ इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसके बाद हम 3 लहसुन की कलियां डालेंगे। मैं स्किन के साथ डाली हूँ क्योंकि मेरा ताजा लहसुन है और इसकी स्किन बहुत ज्यादा लाइट होती है। अगर आपका बासी यानी पुराना लहसुन है तो उसकी स्किन निकाल दीजिएगा। और इसके साथ ही हम डालेंगे अदरक, अदरक की भी मैंने स्किन को नहीं निकाला है तो स्किन के साथ ही अदरक को डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है स्किन के साथ यानी छिलका। कुछ लोग बुरा मान जाते हैं स्किन कहने पर तो उनके लिए मैं छिलका कह रही हूँ, ठीक है। अब इसमें हम बिल्कुल ही पानी नहीं डालेंगे, इसको हम कवर करके मिक्सी में एक लगाकर यानी मिक्सी जार को मिक्सर में लगाकर 1 से 2 बार घुमा देंगे बस। और चलिए घुमा के लेके आते हैं फिर आपको दिखाते हैं, बिल्कुल दरदरा रखेंगे। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने इसे पीस लिया है और बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए अब इसे साइड में कर देते हैं, आगे का काम करेंगे। अब एक बड़े साइज का बर्तन ले लेना है और उसके अंदर हम सबसे पहले अपनी प्याज को डालेंगे और प्याज को लंबा लंबा मोटा मोटा ही कट करना है। फिर इसके बाद हम इसमें बेसन डालेंगे, तो आधा बेसन हम डालेंगे आधा बेसन हम बाद में डालेंगे, एक साथ बेसन नहीं ऐड करना है। और अब इसके बाद जो हमारा ये मसाला बनाकर हमने रखा था वो हम सारा का सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए इसी के हिसाब से बनाया था, कुछ भी कम ज्यादा नहीं डाला था, तो पूरा का पूरा हम ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज डालेंगे, वो है 1 उबला आलू, काफी है, एक ही आलू डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। आलू को बॉईल करके ठंडा कर लेना है, फिर उसके बाद ग्रेट करना है और मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है। तो इस तरीके से हम लंबे लंबे लच्छे इसके ले लेंगे। अगर आपके पास आलू ना हो तो बिना आलू के भी बना सकते हैं, लेकिन आलू डालने से काफी कुरकुरा बनेगा। एक आलू डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यानी काफी बजट नहीं हो जाएगा आप लोगों का, एक आलू आसानी से मिल जाता है हर किचन में और चाहे तो कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन बॉईल करके डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, लंबे समय तक खराब नहीं होगा। तो ये देखिए आप ही के सामने ग्रेट किया है, एक बड़ा आलू था, अगर आप छोटा आलू इस्तेमाल कर रहे हैं आपको 2 आलू लग जाएगा। और इसको भी हम इसके साथ ऐड कर देंगे, बहुत ही आसान रेसिपी है, मिनटों में बन जाती है और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे जो हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे यानी टर्मरिक पाउडर, 1/2 चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना जितना खाते हैं, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च आप चाहें तो पिसे हुई भी डाल सकते हैं, 1/2 चम्मच चाट मसाला, अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप लोग ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई डाल लेना, 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, ये मेरा होममेड है, आप चाहे तो मार्केट वाला भी डाल सकते हैं जो पैकेट वाला आता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज आएगी वो है चावल का आटा, 4 बड़े चम्मच हम इसके अंदर चावल का आटा डालेंगे जो आलू की नमी को सोख लेगा और दूसरी बात इसको कुरकुरा और क्रिस्पी बनाएगा। तो सिर्फ 4 चम्मच डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, वेट नहीं है, मुश्किल से 10 ग्राम होगा। अब हम बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चलिए फटाफट मिक्स करते हैं। तो फ्रेंड देखिए बिल्कुल ही पानी नहीं डाला था तब भी अच्छे से मिक्स हो रहा है। अब इसके बाद हमें लगता है थोड़ा सा बेसन और जाएगा इसके अंदर, तो हम थोड़ा बेसन और डाल देंगे और इसे वापस से मिक्स करेंगे। इसे ना हमें बहुत ज्यादा गीला रखना है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट सॉरी हार्ड, और ये जो प्याज होती है इसमें पानी होता है तो इसीलिए पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसमें बाइंड हो जाएगा। अब अपने हाथों को हम क्लीन कर लेंगे और फिर इसके बाद इसमें डालेंगे फिर सारा धनिया। तो चलिए डालते हैं।
तो फ्रेंड धनिया में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, 4 चम्मच हम धनिया डाल लें। अगर आपको धनिया नहीं पसंद है तो आप कड़ी पत्ते भी डाल सकते हैं, फ्रेश वाला डालना, हरा वाला। और धनिया डाल के वापस से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये रेडी हो चुका है, आप इसे इस तरीके से फ्रिज में भी लगा सकते हैं जब आपका मन हो, या आप जब खाना चाहें तब भी बना सकते हैं। और बनाकर रख देंगे तो पूरे महीने खराब नहीं होगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। तो अब चलिए थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा देते हैं ताकि बेसन चिपके ना, और फिर हम बनाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, हाथों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, अब हम इस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएंगे। तो फ्रेंड आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के पास कोई अगर आइडिया हो मक्खी भगाने का, या फिर कुछ आपको पता हो कोई स्प्रे वगैरह, उसका नाम भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर देना, क्योंकि मैं मक्खियों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मक्खियों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं कितनी बार भी कोशिश करती हूँ कि मक्खी भाग जाए, लेकिन वो भागती ही नहीं है। और जब मैं वीडियो बनाने लगती हूँ ये मेरे आसपास आके कूदने लगती हैं। अब इनको लेकर मैं कब तक बैठी रहूं, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि हालात के साथ समझौता किया जाए। अगर एक दो मक्खी इस तरह से आ जाए तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूं। आप लोग ये मत कहिएगा कि मैं हाइजीनिक का ख्याल नहीं रखती। मैं बहुत बार पूरे काउंटर को अच्छे से साफ करती हूं, फिर भी पता नहीं कहां से मक्खी आ जाती है। मेरा तो बिल्कुल कभी कदार सर दर्द होने लगता है मक्खी को देख देख के, मैं क्या करूं। वैसे नहीं आएंगी, लेकिन जब मैं वीडियो बनाने लगूंगी तभी इनको आना है मेरी बदनामी कराने के लिए। लेकिन मैं क्या करूँ, चलिए फोकस, अपने काम पर फोकस करना है, क्योंकि अर्जुन ने अपने लक्ष्य पर फोकस किया था, हमको भी अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। ये देखिए हो गया ना, इस तरीके से लॉक कर देना है, कितना प्यारा लुक आ रहा है। और इस तरह से हम रख देंगे। तो फटाफट बना लीजिए, आप कोई भी शेप का बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उसी तरीके से बनाइए। आपका अपना शेप है, जैसा मन चाहे वैसा दीजिए, खाना और कपड़ा अपने मन का ही अच्छा लगता है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर मक्खी भगाने का कोई भी नुस्खा या टिप हो आपके पास, या कोई स्प्रे वगैरह का नाम वगैरह कुछ भी हो, सजेशन जरूर दे दीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से बना लिया, आप इसे फ्रिज में भी लगा सकते हैं, जब आपका मन हो तब आप बना सकते हैं। चलते हैं गैस की तरफ, इसे हम आपको बना के दिखाते हैं, बहुत ज्यादा कुरकुरा और टेस्टी बनता है। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, और एक पैन रख दिया है, पैन में ज्यादा तेल नहीं रखा है, थोड़ा सा तेल रखा है, और तेल को कर लेंगे फिर बनाएंगे। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी होना चाहिए। तो जैसे हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम गैस के फ्लेम को मीडियम करके इस तरह से डालेंगे, और गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखना है, हाई नहीं रखना है। अगर हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे, मजा नहीं आएगा खाने का। और इसमें जो प्याज है उसका अपना टेस्ट है, प्याज को मिस मत करना अगर आप लोग खाते हो प्याज। जो लोग प्याज नहीं खाते वो हटा सकते हैं शौक से, वो इसकी जगह पे पनीर को डाल सकते हैं, पनीर डालने से भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगा। तो लेकिन पनीर भी होता है इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें क्यों बनाऊँ जो मेरे सब्सक्राइबर लोगों के पास अवेलेबल ना हो। मैं तो उसी चीज़ों से बनाऊँगी जिस जो उनके घर में आसानी से उपलब्ध हो, लॉकडाउन में उन्हें बाहर ना जाना पड़े, कॉस्टली ना लगे। तो मैं पूरे तरीके से आप लोगों का ख्याल रखती हूँ, कम बजट की कम पैसों की रेसिपी लेके आती हूँ और टेस्टी लेके आती हूँ। तो चलिए हम इसे 2 मिनट तक पकने देंगे, फिर इसके बाद टर्न करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, तब हम टर्न करेंगे। तो आप लोग मेरी इस बात को बुरा मत मानिएगा कि मेरे सब्सक्राइबर के पास पनीर ना हो, वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर सभी तरह के हैं। तो काफ़ी लोग रिच भी हैं, उनके पास काफ़ी पनीर होगा, हर समय फ्रिज में पनीर पड़ा होगा। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो मिडिल क्लास हैं, उनके पास नहीं होगा पनीर, इसीलिए मैंने पनीर नहीं ऐड किया। अगर आप लोग चाहें तो आलू की जगह पर पनीर ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये डन हो चुका है, और कितना बढ़िया कलर आ चुका है दोनों साइड से, काफ़ी अच्छे से मैंने इसको ब्राउन किया है, गोल्डन ब्राउन किया है, बिल्कुल काला नहीं कर देना है। और ये देखिए रिजल्ट हमारे सामने है, और कितने मज़े के ये बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे छन्ने में इसलिए निकालेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। तो अगर आप कोई रेसिपी देखें कहीं और आपको पसंद आए और आप सोचें कि ये बनेगी या नहीं, तो आप मुझे उसको कमेंट बॉक्स में देना, मैं उसका रिव्यू शेयर करूंगी आपके साथ। उस रेसिपी को मैं बना के देखूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो बनेगी या नहीं, आपको ट्राई करना चाहिए या नहीं। लेकिन मेरी रेसिपी आपको 100% बिल्कुल जैसी बनती है वैसे ही मैं दिखाती हूँ, कुछ भी एडिट नहीं करती हूँ, इसीलिए मेरा वीडियो काफी लंबा हो जाता है और काफी बकबक हो जाती है, आप लोग माइंड मत करना। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा बहुत ही कम टाइम में बनने वाला कुरकुरा नाश्ता, जो हमने बेसन और प्याज से बनाया है। कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो ये है मैंने केचप के साथ सर्व किया है, इधर मैंने सर्व किया है मूंगफली और तिल की चटनी के साथ। ये चटनी बहुत ज्यादा अमेजिंग लगती है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी।
और प्लीज प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा मक्खी भगाने का कोई भी स्प्रे अगर आपको पता हो उसको, ये कमेंट करना मत भूलना, बहुत जरूरत है इसकी मुझे। तो ये देखिए कितने कुरकुरे हैं, अंदर से सॉफ्ट फ्लफी, और चटनी के साथ खाइए या केचप के साथ खाइए, किसी के साथ भी खाएंगे मजा आ जाएगा। तो चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ, आप भी बनाइए खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए, और प्लीज कमेंट जरूर करना स्प्रे का नाम बताने के लिए, कमेंट कर देना मेरे लिए। बाय एंड टेक केयर।